Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss about the X-ray diffraction, which is a very important topic of solid state physics. So let's discuss the video content. Introduction, principle, instrumentation, X-ray diffraction methods, applications and limitations. तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में, एक्सरे डिफ्रैक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में. सो इंट्रोडक्शन, एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय रोंटजेन, विलियम वेल्जम रोंटजेन, हु कॉल्ड देम एक्सरेज बिकॉज द नेचर एट फर्स्ट वॉज अनोन. सो एक्सरेज आर also called Röntgen X-ray, Röntgen rays. X-ray diffraction in crystal was discovered by Max von Louis, and the wavelength range is 0.1 to about 10 nanometer. William Röntgen ने X-ray की discovery की, और उन्होंने इसका नाम X-ray रखा क्योंकि अक्सर mathematics में unknown राशियों का नाम X रखा जाता है. हम suppose करते हैं कि कोई राशि X है, तो उस तरह से उन्होंने माना कि ये कोई एक एक्सरे है क्योंकि अननोन है. एक्सरेज आर वेरी शॉर्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस्ड बाय डीएक्सेलरेशन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर ऑर्बिट्स टल ऑफ एटम्स. द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे डिपेंड ऑन एनर्जी ऑल्सो. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सरेज, हार्ड एक्सरेज एंड सॉफ्ट एक्सरेज. Hard X-rays which has high frequency and have more energy, and soft X-rays which have less penetrating and have low energy. X-ray diffraction is a non-contact and non-destructive technique. To understand the crystalline phases, different polymetric form and the structural properties of the material. तो X-ray diffraction एक बिना contact किए हुए non-contact and non-destructive technique है, जिसको यूज करके हम crystal के phase को पता कर सकते हैं, different polycrystal के बारे में, अलग अलग form के बारे में जान सकते हैं और उसके material के structure के बारे में जान सकते हैं. X-ray diffraction, एवरी क्रिस्टलाइन सबस्टेंस गिव्स ए पैटर्न. ये रोंटजेन ने अपने नोबल अवार्ड के टाइम पे स्पीच में बोला था, एवरी क्रिस्टलाइन सबस्टेंस गिव ए पैटर्न, द सेम सबस्टेंस ऑलवेज गिव द सेम पैटर्न, एंड इन अ मिक्सचर ऑफ सबस्टेंसेस ईच प्रोड्यूसेस इट्स पैटर्न इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर. सो हर एक क्रिस्टलाइन सेम पैटर्न देता है जो सेम सब्सटेंस की होता है, लेकिन एक मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस अलग अलग पैटर्न देता है और वो आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं. द एक्सरेज डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए प्योर सब्सटेंस इज देयरफॉर लाइक फिंगर प्रिंट ऑफ द सब्सटेंस, एंड इट इज बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ द एक्सरेज बाय क्रिस्टल्स. सो जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है किसी प्योर सब्सटेंस का, वो एक फिंगरप्रिंट की तरह होता है, और ये बेस्ड होता है एक्सरे के स्कैटरिंग के ऊपर बाय क्रिस्टल. उसको डिफाइन कर सकते हैं हम इस तरह, एटॉमिक प्लेन्स ऑफ ए क्रिस्टल कॉज एन इंसिडेंट बीम ऑफ एक्सरेज टू इंटरफेयर विथ वन अनदर एज दे लीव द क्रिस्टल. द फिनोमेना इज कॉल्ड एक्सरे डिफ्रैक्शन. तो किसी एटॉमिक प्लेन्स पे हम एक्सरे को इंसिडेंट कराएंगे, और वो अगर उसे क्रॉस करेगा, इंटरफेयर करेगा क्रिस्टल के साथ, तो हम उसे बोलेंगे कि एक्सरे डिफ्रैक्ट हो रही है. इंटरफेयर करके वो क्रिस्टल को लीव करेगा, जैसे ब्रैग्स लॉ में बताया गया था. टाइमलाइंस, इन 1965 डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स फर्स्ट ऑब्जर्व बाई इटालियन मैथमेटिशियन फ्रांसिस्को मैरिया ग्रिमाल्डी.
And then in 1868, X-rays discovered by German scientist Röntgen and got the Nobel Prize in Physics in 1901. And then the discovery of X-ray diffraction by the crystal is von Loewy in 1912. And the same year, Bragg discovery, 1912. वाई एक्स आर डी हम एक्सरे डिफ्रैक्शन क्यों पढ़ते पढ़ेंगे या क्यों पढ़ते हैं? टू मेजर द एवरेज स्पेसिंग बिटवीन द लेयर्स एंड रो ऑफ द एटम्स, ऑल्सो डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ ए सिंगल क्रिस्टल, ऑल्सो वी कैन फाइंड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एन अननोन मटेरियल. कोई भी मटेरियल किस टाइप का स्ट्रक्चर रखता है ये हम पता कर सकते हैं डिफ्रैक्शन के थ्रू. ऑल्सो वी कैन मेजर द साइज शेप एंड इंटरनल स्ट्रेस ऑफ स्मॉल क्रिस्टलाइन रीजन्स. तो हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साइज शेप और इंटरनल स्ट्रेस के बारे में भी बता सकते हैं. व्हाट इज डिफ्रैक्शन? ए डिफ्रैक्शन बीम मे बी डिफाइंड एज अ बीम कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड रेज म्यूचुअली रेनफोर्सिंग ईच अदर लाइक दिस. इंटरैक्शन विथ अ सिंगल पार्टिकल, दिस इज एक्सरे. इंटरैक्शन विथ अ सिंगल पार्टिकल गिव लुक लाइक दिस इन ऑल डायरेक्शन, डिफ्रैक्टेड इन ऑल डायरेक्शन. बट द एक्सरेज इंसिडेंट ऑन अ क्रिस्टल diffracted as many direction as the crystal has and this type. तो क्रिस्टल का डायमेंशन जितना होगा एक्सरे भी उतनी डायरेक्शन में स्कैटर्ड कर जाएगी. What is X-ray diffraction? X-ray diffraction is based on the constructive interference of monochromatic X-rays, a crystalline and a crystalline sample. These X-rays are generated by a cathode ray tube filter to produce monochromatic radiations collimated to concentrate and directed towards the sample, and the interaction of incident rays with the samples produces constructive interference and which satisfy the Bragg's law. So X-ray diffraction एक constructive interference पर होने वाला फिनोमेना है मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज के लिए, और ये डिफ्रैक्शन उसी के लिए फॉलो करता है जिसके लिए ब्रैग्स कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ब्रैग्स लॉ सेटिस्फाई करता है. इन फिगर दिस इज शोइंग इंसिडेंट वेव, दिस आर द क्रिस्टलाइन मटेरियल, दिस इज डिफ्रैक्टेड बीम. Diffracted pattern recorded in the photographic plate and which is and जो X-rays diffract नहीं होती वो transmit कर जाती है, and this is the transmitted wave and this is the diffracting angle 2 theta. Bragg's law, constructive interference. X-rays occurs only when n lambda is equal to AB plus BC, that is this AB and plus BC, this is the path difference between the two rays, this rays and this rays. After diffracting this atom and this atom going to here, so in two rays the path difference is AB plus BC, and this AB plus BC for constructive it is equal to n lambda. Here AB is equal to BC, this is equal to AB equal BC, and from triangle rule we can find the AB equal d sin theta, so n lambda equal 2d sin theta, and in general lambda equal 2d HKL sin theta HKL. Order of refraction, we can write Bragg's law as lambda equal 2d sin theta upon n,
So a reflection of any order as a first order reflection from planes, real or fictitious, spaced at a distance 1 by n of the previous spacing. This is showing 1 by n of the previous, that is 2d sine theta. So in general we can write as a d dash equal d upon n, because this lambda is nothing but 1 by n times 2d sine theta. 2d sine theta. So this can be written as d dash equal to d upon n, and this gives an n order reflection from HKL plane. HKL is the Miller indices. HKL planes of spacing d may be considered as a first order diffraction from the NH, NK and NL plane of the spacing d dash equal d by n. So this is the nth order Miller indices. Basics of crystallography. This showing the crystal in the arrangement, properly arrangement. The atoms are arranged in a regular pattern, and there is a small element, volume element, that by repetition in 3 dimension describe the crystal. This smallest volume element is called a unit cell. Crystal consists of planes of atoms that are spaced a distance d apart, but can be resolved into many atomic planes, each with a different d spacing. So crystal consists karta hai planes of atoms ko, jo kafi planes of atoms ko jinke beech spacing hoti hai small d. लेकिन इसको हम कुछ इस तरह से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस भी स्मॉल डी होता है. तो एटम्स के बीच का डिस्टेंस भी स्मॉल डी हो सकता है, और कभी कभी प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस भी स्मॉल डी हो सकता है. तो डिफरेंट डिफरेंट डी के आधार पर क्रिस्टल में प्लेन कंसिस्ट करते हैं, क्रिस्टल कंसिस्ट करते हैं प्लेन्स के अंदर. The dimensions of unit cell is described by the 3 axes ABC and the angle alpha beta gamma, and these are called the lattice constants. Which can be determined by X-ray diffraction. Miller indices. Crystal structure are made up of a series of planes of atom in which each atom, each plane is placed with a distance d with each other, but various atomic planes in a crystal can be resolved with different d spacing. For distinguishing different planes, there is a coordinate system introduced by William Miller's Hollows Miller's called Miller indices, that is HKL. So in different plane ko hum jo alag alag d ke upar based hoti hain, इनको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए मिलर इंडिसेस का यूज़ करते हैं. मिलर इंडिसेस आर द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट विच द प्लेन मेक्स विद द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस, दैट इज एक्स वाई जेड, एंड द इंटरसेप्ट्स आर ए बी सी, स्मॉल ए बी सी. रेसिप्रोकल्स आर टेकन टू अवॉइड द इनफाइनाइट इन द इंडिसेस. रेसिप्रोकल हम लेते हैं कि अगर इंटरसेप्ट इनफाइनाइट पे हो तो इसको अवॉइड करने के लिए. डी स्पेसिंग फार्मूला फॉर ए यूनिट सेल विथ ऑर्थोगोनल एक्सिस. द डी स्पेसिंग फार्मूला इज 1/d² एच के एल इक्वल h² / a² प्लस h²/b² प्लस l² / c² एंड फॉर अ क्यूबिक यूनिट सेल विथ ऑर्थोगोनल एक्सिस a=b=c दिस स्पेसिंग इज इक्वल 1/d² एच के एल इक्वल h² + k² + l² / a² and for a cubic unit cell with orthogonal axis we have the equation, a relation for d spacing dhkl equal a0 / √h² + k² + l² for hexagonal unit cell
दिस इज इक्वल टू 1/d² hkl 4/3 इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एच के अपॉन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, सोर्स ऑफ एक्स रेज, सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट। प्रोडक्शन के लिए हमें सोर्स ऑफ एक्स रे चाहिए, कुलीमीटर चाहिए, मोनोक्रोमीटर। मोनोक्रोमीटर दो तरीके के होते हैं, एक फिल्टर और क्रिस्टल मोनोक्रोमीटर। उसके बाद हम उसे डिटेक्ट करते हैं डिटेक्टर के थ्रू। डिटेक्टर के मेथड्स हैं एक फोटोग्राफिक मेथड्स और काउंटर मेथड। काउंटर मेथड में आपका जीएम काउंटर, सिंटिलेशन काउंटर, ये सारे आते हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज एंड दिस इज़ द कूलीमेटिंग प्रोसेस। दिस ऑल द रेज कूलीमेटेड इन सिंगल रेज एंड दिस द टारगेट। एंड व्हेन द एक्सरेज आर डिफ्रैक्टेड, द डिफ्रैक्टेड एक्सरेज डिटेक्ट हियर फ्रॉम डिटेक्टर। डिफ्रैक्टेड एक्सरेज आर ऑब्जर्व्ड एट द डिटेक्टर। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेनेवर ए चार्ज पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड। जब कभी हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं तो इस दौरान एक्सरे प्रोड्यूस होती है। इन एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सरेज आर जनरली आर जनरेटेड व्हेन वेरी हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट ऑन ए मेटल टारगेट। ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द हॉट डब्लू फिलामेंट। ए हाई एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बिटवीन द कैथोड एंड द एनोड एंड अ मटेरियल टारगेट लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। सो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फिलामेंट है, और वो फिलामेंट जो हाई एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के बीच में लगे हों, कैथोड और एनोड के बीच। द एनोड इज वाटर कूल्ड ब्लॉक ऑफ कॉपर कंटेनिंग डिजायर टारगेट मेटल। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, सो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट। हियर इज फिलामेंट, फिलामेंट एंड दिस शोइंग द कैथोड। हियर इज एनोड, दिस इज टंगस्टन एनोड। सो इलेक्ट्रॉन बीम फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड प्रोड्यूसेस द रेज, एंड फ्रॉम हियर इट इज कूलीमेटेड एंड देन इट इज लाइक दैट। दिस इज एंड द इमेज इज ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट इज शोन हियर। And this showing the high energy electron when the electron crosses the valence band and the conduction band, then ejected electron from the filament and these electrons becomes X-rays, produces X-rays. High accelerating electrons produces X-rays. And this showing the X-ray photography. Coulometer, in order to get a narrow focused beam of X-rays, the X-rays generated by the target material are also allowed to pass through a closely packed metal plate separated by a small gap. The coulometer absorbed all the X-rays except the narrow beam that passes between the gaps. Coulometer absorb karta hai sari ray ko, नैरो बीम को छोड़ के जो गैप से पास कर जाती हैं। मोनोक्रोमीटर, ए मोनोक्रोमीटर इज एन ऑप्टिकल डिवाइस दैट ट्रांसमिट्स ए मैकेनिकल सेलेक्टेबल नैरो बैंड
of wavelength of light or other radiation chosen from a wide range of wavelength available at input. In this type, this is the source, this is entrance slit, and then using a dispersion device, and this is the exit slit. And in this process we can use the monochromator. And then X-ray is incident on a sample and diffracted X-rays are detected here. So in monochromator means, the name is from the Greek roots mono. Mono means single. Mono is a single. Chroma means color, and the Latin suffix ater denoted an agent. So single color agent, that is monochromator. And this is all about for today. In the next video we discuss the how the X-rays are diffracted, the types of X-ray diffraction. So there are mainly three types of X-ray diffraction: Loewe diffraction, rotating crystal method, and the powder method. We'll discuss later. So thanks for watching this video. Thank you.